ईद की खुशियां अपनों से होती हैं और अगर ईद पर भी अपनों से ना मिला जाए तो ईद ईद नहीं रहती। मुल्तान में भी ईद का दूसरा दिन शहरी रिश्तेदारों के साथ मना रहे हैं। ईद के पहले दिन खूब मौज मस्ती के बाद दूसरे दिन सबने प्लान बनाया प्यारों से मिलने का और पहुंच गए रिश्तेदारों के साथ ईद की खुशियां बांटने। जहां बच्चों की तैयारी भरपूर थी वहीं मजेदार खानों ने उनका दिल जीत लिया। हम अपने कजन्स के घर आए हुए और मैं अपने कजन्स के घर इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी ज्यादा ईदी जमा कर सकूँ और हमने आज बाहर भी जाना है मूवी देखने। मैं अपनी ताई अम्मा के घर आई हुई हूँ। मैंने बहुत सारी ईदी जमा की है और मैंने 2000 से ज्यादा ईदी जमा की हुई है। मुझे बहुत मजा आया। कोई अपनी ईदी गिनता रहा और किसी को ये फिक्र थी कि शाम को बाहर घूमने भी जाना है। मैं अपने कजन्स के घर आई हुई हूँ। मैंने बहुत मजा किया है। मैंने और ईदी भी बहुत सारी इकट्ठी की है। हंसते मुस्कुराते चेहरों और बच्चों की मासूम शरारतों ने ईद को चार चांद लगा दिए। ईद के दिन रिश्तेदारों के घर आए और ईदी इकट्ठी करने के बाद बच्चे मीठी सेवियां ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ लाइबा जैनब, 24 न्यूज, मुल्तान।